नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 8 के बाद 9 क्लास में आते हैं तो 9 क्लास में जो है हिंदी पूरी की पूरी हमारी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है, उसमें व्याकरण तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेखक और साथ साथ में जो संस्कृत खंड, मतलब कि विभाजित हुई है हमारी जो हिंदी है, जैसे संस्कृत खंड हुआ और फिर गद्य हुआ, पद हुआ, यानी नए नए आपको ये खंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक है लेखक का जीवन परिचय, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा आपको, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जैसे कबीरदास, सूरदास और भी जो लेखक हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा, चॉइस आती है, ठीक है। लेखो तो किसी एक का आपको या दो का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और ये आता है प्रश्न पत्र 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम है कबीर बिहारी। इनका हम जीवन परिचय जानने वाले हैं इस वीडियो में। इनका जन्म 1652 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है बसुआ गोविंदपुर गांव, जो है ग्वालियर में, ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में। पिता का नाम है पंडित केशव राय चौबे। काव्य गुरु, इनको काव्य गुरु मतलब कि इनकी गुरु, काव्य तो लग चुका है लेकिन इन्होंने, हाँ ये काव्य के हैं, इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। किसने, इनका क्या नाम है अभी हमने जाना, कबीर बिहारी, ठीक है, ये हैं काव्य के। तो अब इनके काव्य हैं तो काव्य के गुरु होंगे जिन्होंने शिक्षा दी है। तो केशव दास इनका नाम है जिन्होंने शिक्षा दी है। और शिक्षा इन्होंने क्या शिक्षा की, काव्य शास्त्र की शिक्षा ओरछा में इन्होंने की है काव्य शास्त्र की शिक्षा, जो कि ओरछा पड़ जाता है शायद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आता है। आश्रय राजा जय सिंह का दरबार। रचना के विषय श्रृंगार भक्ति नीति परक दोहे। एकमात्र रचना बिहारी सतसई। प्रमुख भाषा प्रोण कौमा प्रजल कौमा परिष्कृत एवं परिमार्जित ब्रज। और इसके बाद है शैली, मुक्तक समास शैली, दो हैं मुक्तक और समास। उसके बाद है मृत्यु, इनका हो गया था 1720 ईस्वी में। फिर है साहित्य में योगदान। अब ये साहित्य में योगदान है या साहित्य में स्थान, बात एक ही है। तो इनका क्या स्थान है, भाव और शिल्प की दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ है। अपनी काव्यगत बैकग्राउंड में लिखा है भाव पक्ष व कला पक्ष। विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में बिहारी का अद्वितीय स्थान है। तो ये जीवन परिचय हो गया है, शॉर्ट में एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट है।